नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज के इस नोटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई रिक्वायरमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर की पदों पर भर्ती का। तो फ्रेंड्स, इसकी कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है और कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, सारा डिटेल्स आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएं इसकी पूरी जानकारी को और इस फॉर्म को भर सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे द्वारा आई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस वैकेंसी का लाभ आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी कर दिया है ए ट्रेनी रिक्वायरमेंट, ए की पदों पर भर्ती का रिक्वायरमेंट जारी कर दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिविल ट्रेड, ये चार विभागों के लिए भर्ती है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसमें ऑल एप्लीकेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट, जो एप्लीकेंट्स उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं से भी अगर आप ऑल इंडिया पोस्ट आइए बाहर के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए 1000 रुपीज़ फीस लगेगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जनरल हैं, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन ऑफ UP के हैं, तो उनके लिए भी 1000 रुपये लगेगा। SC एस्टिंग हेलिंग फ्रॉम UP, जो कैंडिडेट्स SC और ST हैं और वो UP के रहने वाले, उनके पास UP का डोमोसाइल है, उनके लिए 700। और PWD कैंडिडेट्स के लिए आपका 10 रुपये फीस लगेगा, ठीक है। जो कैंडिडेट्स PWD एप्लीकेंट हैं उनके लिए 10 रुपीज़। फी पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू और SBI चालान के थ्रू भी आप इस पेमेंट को पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 25 सितंबर से होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी इसका अप्लाई का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 25 सितंबर को इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट डेट जो है इसकी 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर के बाद आप इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, फी पेमेंट के लास्ट डेट जो है ये भी आपका 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर के बाद आप इस फी को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन मोड, अगर आप फी को ऑफलाइन मोड पेमेंट करते हैं तो उसके लिए 16 अक्टूबर है, ठीक है। और चालान अपलोड लास्ट डेट वो भी आपको 16 अक्टूबर तक आपको चालान अपडेट कर देनी है ऑनलाइन। एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है लेकिन अक्टूबर में आने की संभावना है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया करूँगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको एक वीडियो के थ्रू आपको नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट जो होगा इसका ये भी कंफर्म नहीं है लेकिन नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो जो भी कंफर्म डेट आ जाएगी तो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा, चाहे वो UP का हो चाहे किसी भी फॉर्म का हो, वो आपको ईजिली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जॉब लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो वर्किंग आपका उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगा, लेकिन कहाँ होगा ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। आपको कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है उत्तर प्रदेश में। एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है, ठीक है। अंडर 18 वाले अप्लाई नहीं कर सकते और 40 प्लस के अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट जिनके लिए एज अपर लिमिट का एज इलेक्शन दिया हुआ है एज अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे। बात करें पोस्ट की तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 301 है, ठीक है। 301 पोस्ट है इसके अंदर AE की पदों पर भर्ती का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं जो कि AE की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की आपकी पोस्ट होगी, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर्म पे आपको रखा जाएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, IT वाले कर सकते हैं और सिविल ट्रेड वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कैटर नेम में इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड सिविल है, ठीक है। ये क्या है ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इजीली क्लियर हो पाएगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में अगर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए AE इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है इसके अंदर 271 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर जनरल की 108 सीटें हैं, EWS की 27, OBC की 81, SC की 52 और ST की 3 है। टोटल मिलाकर के 271 पोस्ट जो हो गई है हमारी, ये आपकी AE इलेक्ट्रिकल पोस्ट की है, ठीक है। अगली वैकेंसी है AE कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ उनके लिए 22 पोस्ट हैं, जिसमें से जर्नल की 7 हैं, EWS की 2 हैं, OBC की 6 पोस्ट हैं, SC की 52 और ST की 3 पोस्ट हैं। AE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए 5 सीटें हैं, जिसमें से जर्नल की 5,
और रिसेट ऑल कैटेगरी नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ जनरल की 5 सीटें हैं। यही सिविल की जो वैकेंसी है इसके अंदर एक पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ओनली यूपी डोमोसाइल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स आर अवेल दिस रिजर्व क्राइटेरिया। ओनली यूपी के जो डोमोसाइल है उन्हीं को मतलब कि कैटेगरिया में मिलेगा, अदर कैंडिडेट्स के लिए जो अदर पोस्ट है जनरल वाली उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपी के डोमोसाइल है वही रिजर्व वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पे स्केल आपको मिलेगा वो 56,100 रुपये आपका जो सैलरी होगा इसके अंदर 7 लाख कमीशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगा पीरियड, ये आपका एज पर यूपीसीसीएल डिसाइड करेगा ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो ये आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको कितना आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा ये आपका यूपीसीएल डिसाइड करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया के अंदर बात करें तो फ्रेंड्स में देखिए, कैंडिडेट हैव गुड कॉमन ओवर हिंदी देवनागरी। आपको एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया के अंदर आपको हिंदी और लैंग्वेज आना चाहिए। टर्म्स ऑफ रीडिंग, आप पढ़ सकें हिंदी, राइट कर सकें और स्पीक कर सकें, अगर आपको हिंदी लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए। इन केस ऑफ एप्लीकेंट हैव नॉट पास हाई स्कूल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विद हिंदी, अगर आपने हाई स्कूल पास नहीं किया हिंदी लेवल के साथ, डजेंट हैव चूज हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल एज पर देन ही सी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई यूपीसीएल रजिस्टर्ड विद इन 3 ईयर्स ऑफ जॉइनिंग डेट। तो अगर आपने हिंदी से नहीं किया हुआ 10, तो आपको क्या उसमें दिया हुआ है कि यूपीसीएल जो होगा रजिस्टर्ड करेगा आपको विद इन 3 ईयर्स के अंदर, आपको कन्फर्म कर इसको कर लेना है, ठीक है, हिंदी से आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेवल एग्जामिनेशन विद हिंदी डजंट हैव चूज द हिंदी एंड सब्जेक्ट ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल ऑफ सब्जेक्ट देन ही इज बीन क्लियर देम। आपको एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी यूपीसीएल, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और दूसरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात की, तो इसमें जो मांगा हुआ ये आपका बीटेक वाला मांगा हुआ, ठीक है, ये बैचलर ऑफ डिग्री के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है। ग्रेजुएशन जो होगा बीई बीटेक वाले कैंडिडेट्स वही अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, कम्युनिकेशन स्किल, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग फॉर यूपी स्टेट और अदर अप्रूव्ड, अगर आपने अदर किसी स्टेट से किया तो भी आपसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका AICTC से अप्रूव होना चाहिए वो इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज ऑप्शनल है, आपको कैंडिडेट हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, प्रेफर टू फॉर दिस रिकमेंड, उनको थोड़ा बहुत पहले लिया जाएगा, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको हायर जल्दी किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल है, हो भी नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको ये होगा कि इम्प्रूवमेंट थोड़ा हो जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 16 अक्टूबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉर्म को फिलअप करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रख लीजिएगा, जैसे कि फोटोग्राफ क्लिक करवा लीजिएगा, आपका 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलरफुल फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर ब्लैक पेन से, ब्लॉक लेटर्स में नहीं करना है, कैप्स में नहीं करना है, स्मॉल लेटर्स में जैसे आप करते हैं वैसे करना चाहिए। NOC फॉर यूपी गवर्नमेंट, जो भी यूपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो NOC अपना बनवा लें, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर जो पड़ेगा आपको चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा, वाराणसी के अंदर, गोरखपुर के अंदर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, ये आपका एग्जाम सेंटर होगा, आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको लगे कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपके नियर बाई हो, तो उसको चूज़ करके आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ये क्लियर करने के बाद ही आप इसको सिलेक्शन आपका इसमें होगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में AE की पोस्ट का, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। तो इसके अंदर देखिए इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये आपका 4BSA 2019 AE का पोस्ट है इसके अंदर, जिसमें से जैसे कि मैंने बताया था आपका, देखिए इसमें पोस्ट कैडर दे रही हुई है EM करके, ये जो है ये पोस्ट कैडरी है, ठीक है, पोस्ट का कैटेगरिया दिया हुआ है इसके अंदर। पोस्ट नेम देखिए, जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे वैकेंसी की टेबल बनी हुई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व के लिए 108 है, EWS के लिए 27 है, OBC की 81 और आपका SC के लिए 52 है। ये जो सीटें हैं 27, ये आपका देखिए जो आपको जो आप कास्ट सर्टिफिकेट जो कह रहे हैं ना, जो आपको कैटेगरी जो लगानी है EWS, OBC और SC, ये उन्हीं में आएंगे जो कि यूपी डोमेसाइल के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अगर आप यूपी के बाहर के रहने वाले हैं तो आपका ऑल इंडिया कैटेगरी अनरिजर्व में आएगा, ठीक है। तो आपके लिए 108 सीटें हैं, 7 हैं और 5 है इसमें, लेकिन जो आप कैटेगरी लगाएंगे EWS, OBC, SC और ST, ये सिर्फ यूपी डोमोसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, बाहर वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे दूसरी वैकेंसी सिविल वालों के लिए है, उनके लिए भी देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ अनरिजर्व सिविल में सिर्फ एक ही सीट है जो कि आप ऑल इंडिया कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ओबीसी और एससी के लिए एक एक सीटें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने बताया था सैलरी के बारे में बताया था, तो ये आपका सेवन पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी 56,100 रुपये आपकी सैलरी होगी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री मांगी हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है। अलग अलग जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए उसी ट्रेड में। इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल से डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से डिग्री होनी चाहिए पास आउट, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल्स है, ठीक है। बट एज लिमिट मैंने बता ही दिया कि मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 40 साल इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे एज लिमिट लिखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एज रिलैक्सेशन में ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए आप एससी एसटी में 5 साल की दी हुई है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात लिखी हुई, इसमें देखिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद देखिए जो आपके फ्रीडम फाइटर हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए 5 साल का दिया हुआ है, ठीक है। हैंडीकैप्स के लिए 15 ईयर्स का दिया हुआ है। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो कि यूपी के कैंडिडेट्स हैं, आपको बाहर वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर और सिलेक्शन जो होगा ये आपको सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होगा। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए आप अपना चॉइस सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ इलाहाबाद, अलीगढ़, बनारसी, गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, इन सबको, झांसी, मुजफ्फरनगर, आप इनको सिलेक्ट, जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम होगा उस चॉइस आप अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे आप जाकर एग्ज़ाम देने जाना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सिलेबस कैसा होगा, सिलेबस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन की बात की जाए तो द सिलेबस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन विल बी सेम एज द गेट 2019, आपके गेट एग्ज़ाम की तरह इसका सिलेबस होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए फीस वगैरह, से मैंने आपको बताया था कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रिमिनल लेयर ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये है, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए जो कि यूपी के डेमिस वाले, उनके लिए 700 रुपये, और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए उनके लिए 10 रुपये, और कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट और यूनियन टेरेटरी ऑफ देन उत्तर प्रदेश, उनके लिए 1,000 रुपये जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही आप upcl.org पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डेट्स वगैरह की देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दी हुई हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम प्रोसेसिंग फी थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट फी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 14 अक्टूबर तक ही है, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम प्रोसेसिंग फी SBI चालान ऑफलाइन, अब जब SBI चालान जब ऑफलाइन अगर आप फी पेमेंट करते हैं तो उसकी डेट 16 अक्टूबर तक है। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो डेट दिखाई जा रही है वो अभी बताई जा रही है कि 1st week of November में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स पूरा डिटेल्स था आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। साथ ही फॉर्म को फिलअप करते वक्त या अभी कोई और जानकारी चाहिए आपको इसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के कुछ इशू रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप यहाँ पे मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं helpdesk1149ae@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आप मेल कीजिए, कोई भी आपका कंसर्न है तो यहाँ से आपको मेल का रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में AE की रिक्वायरमेंट का था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको फ्रेंड्स को भी इसका नोटिफिकेशन पता लग जाए, ठीक है, और वो भी इस फॉर्म को भर सकें। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन डेट शुरू होगा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ, तो अभी के लिए